पाकिस्तान की चार कमजोरी, सेमीफाइनल में टीम होंगी लाचार, सिडनी में दिखेगा हार का सीन। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है, लेकिन सच ये है कि उसे किस्मत का साथ मिला है। सवाल ये है कि क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत पाएंगी पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ने वाली है। बुधवार को ये महामुकाबला सिडनी में होगा और जाहिर तौर पर यह मुकाबला रोमांचक होने वाला है, लेकिन न्यूजीलैंड से पार पाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है और इसकी वजह है कि उनकी चार ऐसी कमजोरियां, बता दें, जिसका फायदा कीवी खिलाड़ी उठा सकते हैं। पाकिस्तान की पहले कमजोरी आपको बता दें कि उसकी सलामी जोड़ी बिल्कुल भी चल नहीं रही। भारत के खिलाफ ये जोड़ी सिर्फ एक रन ही बना पाई थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर रिजवान ने 13 रन जोड़े, वही नीदरलैंड के खिलाफ से ये टीम 16 रन ही जोड़ पाई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओपनिंग जोड़ी ने 4 रन जोड़े, वही बांग्लादेश के खिलाफ इस जोड़ी ने 57 रन बनाए, लेकिन इसके लिए 63 गेंद भी खेली गई। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर उसकी दूसरी कमजोरी है। इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज, सदाब खान, मोहम्मद हारिस, किसी का भी औसत 30 से नहीं है और साथ ही इस मिडिल ऑर्डर में नियमित अच्छी पारियां खेलने का अभाव रहा है, जिसकी वजह से इसे भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। वही पाकिस्तान की तीसरी कमजोरी उसके पास एंकर बल्लेबाज का ना होना। भारत के पास जिस तरह से विराट कोहली है, उनके पास ऐसा बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं है। शान मसूद ने जरूर अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उनका औसत 40 से ज्यादा है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 115 का रहा। पाकिस्तान की चौथी कमजोरी आपको बता दें कि कैचिंग से लेकर ग्राउंड फील्डिंग तक पाकिस्तानी टीम का परफॉर्मेंस लाचार साबित हुआ, और अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान कैच छोड़ती है तो न्यूजीलैंड की टीम पूरा फायदा उठा सकती है और पाकिस्तानी टीम जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा।